दोस्तों, मार्केट अपडेट्स के न्यू वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और जैसा कि आज यहाँ पे लेट यहाँ पे रिकवरी आई मार्केट में और निफ्टी 18 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ है, तो इस क्लोजिंग पे मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज के अपडेट। तो हर रोज की तरह जो पहला अपडेट ले लेते हैं वो ले लेते हैं यहाँ पे मार्केट की तरफ से, जहाँ पे कि सुबह सुबह एक गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और काफी दिन वहाँ पे निफ्टी बिल्कुल लाल निशान में काम करता रहा और बिल्कुल कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद एक रिकवरी आई है, जिसमें कि पूरा जो लॉस था निफ्टी ने वो पूरा रिकवर करा और करीब 18 पॉइंट ऊपर जाके बंद हुआ। वहीं अगर मैं सेंसेक्स की बात करूँ तो सेंसेक्स भी 113 पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुआ। तो समझ लेते हैं बेसिकली यहाँ पे मार्केट में हुआ क्या है। देखो दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि निफ्टी लाल निशान से हरे निशान में जाके बंद हो गया तो मार्केट प्लस है, तो दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप ब्रॉडर इंडेक्स पर ध्यान दीजिए, क्योंकि ब्रॉडर इंडेक्स में जो सेलिंग थी वो जबरदस्त थी। ऑलमोस्ट पहले मिड कैप इंडेक्स करीब 250 पॉइंट गिर के काम कर रही थी, उसके बाद भी 150 पॉइंट गिर के ही बंद हुई है। तो आप ये समझ लो कि इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट। ऑलमोस्ट यहाँ पे रिलायंस, एचडीएफसी, एचडीएफसी बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसलैंड बैंक, इनकी मदद से निफ्टी को लाल से हरे निशान में यहाँ पे लाया गया और ब्रॉडर इंडेक्स में सिर्फ सेलिंग ही रही है। तो अगर आप गलती से किसी मिड कैप इंडेक्स को बाय कर रहे हो या मिड कैप स्टॉक को बाय कर रहे हो ये होप में कि मार्केट रिकवर कर रहा है, वो स्टॉक भी रिकवर कर जाएगा, तो शायद ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। तो ध्यान रखिए, आरबीआई पॉलिसी के बाद हो सकता है मार्केट में एक गिरावट भी हो सकती है, क्योंकि रुपये की वीकनेस जिस तरीके से दोबारा से स्टार्ट हुई है तो वो एक मार्केट के लिए नेगेटिव फैक्टर है। अगर निफ्टी टॉप 3 गेनर और लूजर की बात करूँ तो यहाँ पे गेनर में रिजल्ट के बाद टाइटन सबसे बड़ा गेनर रहा, उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके बाद यहाँ पे ONGC। वहीं अगर मैं लूजर की बात करूँ तो सबसे बड़ा लूजर यहाँ पे रहा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उसके बाद रहा हिंडालको, उसके बाद हिंदुस्तान पेट्रोलियम। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे रुपी की तरफ से, जहाँ पे फर्दर वीकनेस स्टार्ट हो गई रुपी में। ऑलमोस्ट 55 पैसे की आज कमजोरी देखी गई है, करीब 71.80 पे ट्रेड कर रहा है। तो इसके चलते ही हमारे लिए मार्केट में नेगेटिव है और हो सकता है कि आपको 2-3 दिन में कोई सेलिंग यहाँ पे होती हुई दिखाई दे मार्केट में, तो बी कॉशियस रह के ही मार्केट में ट्रेड करिएगा। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बर्लपूल इंडिया की तरफ से, जहाँ पे कि कंपनी के रिजल्ट में करीब 14% का प्रॉफिट में उछाल देकर गया है और जो प्रॉफिट डिक्लेयर किया है वो यहाँ पे किया है 61 करोड़ का। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे तमिलनाडु सोलर एनर्जी पॉलिसी की तरफ से, जहाँ पे कि 2019 का जो टारगेट रखा है सोलर एनर्जी का वो रखा है यहाँ पे 9000 मेगावाट का। तो कह सकते हैं तमिलनाडु काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है यहाँ पे सोलर एनर्जी में कन्वर्जन लेने के लिए और कह सकते हैं आगे आने वाले दिनों में ऑल सारे ये टारगेट अचीव करता हुआ भी दिखाई देगा। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे लुपिन की तरफ से, जहाँ पे कि US में एक स्किन ट्रीटमेंट की जो दवा है उसकी करीब 24,000 बोटल्स यहाँ पे रिकॉल करी गई है। इसी के चलते यहाँ पे ल्यूपिन के स्टॉक में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया था, करीब 2% नीचे जाके बंद हुआ है। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहे हैं यहाँ पे बजाज ऑटो की तरफ से, जहाँ पे कि काफ़ी अच्छे नंबर आए थे। ऑलमोस्ट 15% ये नंबर जो ऑटो सेल्स के नंबर आए हैं उसमें 15% का उछाल देखा गया, करीब 4.07 लाख यूनिट इन्होंने बेची हैं। इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक भी करीब 3% ऊपर कामकाज कर रहा था। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे टाइटन की तरफ से, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर के बाद यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस के अपग्रेड आए, ऑलमोस्ट 1280 तक के टारगेट की यहाँ पे बातें हो रही हैं और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक में 5% का उछाल देखा गया था। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे महिंद्रा की तरफ से, जहाँ पे कि ऊबर को यहाँ पे 20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोवाइड करने की यहाँ पे बातें चल रही हैं और बहुत ही जल्द जो महिंद्रा की RE2 करके जो इलेक्ट्रिक गाड़ी यहाँ पे मार्केट में चलती है वो ऊबर को खरीदता हुआ दिखाई देगा और अपना जो इलेक्ट्रिक कार का जो प्रोजेक्ट है उसको यहाँ पे कंप्लीट करेगा ऊबर बहुत ही जल्द। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे आरकॉम की तरफ से, जहाँ पे स्टॉक में करीब देखी गई आज 50% की गिरावट और ऑलमोस्ट 99% यहाँ पे वेल्थ डिस्ट्रॉय करी है, यहाँ पे इरोड करी है 2008 के हाई से, कि जहाँ पे कि 2008 में स्टॉक करीब 820 के रुपए पे ट्रेड करता था और आज जो प्राइस रह गया है वो सिर्फ 7.5 रुपये का रह गया है। तो इन स्टॉक से आप थोड़ा सा दूरी रहिए, क्योंकि रिलायंस कैपिटल और रिलायंस इंफ्रा इनकी भी बहुत ही जल्द ऐसी ही हालत होती हुई दिखाई देगी। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टीज की तरफ से, जहाँ पे पुणे के अंदर ये 6 नए प्रोजेक्ट बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाले हैं और इसी के चलते यहाँ पे स्टॉक भी करीब फ्लैट ही काम कर रहा था। अगला अपडेट ले लेते हैं, वो आ रहा है यहाँ पे बलरामपुर चीनी की तरफ से, जहाँ पे नंबर आए थे और नंबर थोड़े से ठीक ठाक थे बट प्रॉफिट में काफी अच्छा जंप देखा गया है, ऑलमोस्ट प्रॉफिट डबल हो गया है, 120 करोड़ रुपए का यहाँ पे अनाउंस किया है। तो फिलहाल दोस्तों आज के अपडेट इतने ही थे, आई होप ये अपडेट आपको पसंद आएंगे। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।